हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज हम जानेंगे स्कॉर्पियन बाइट के बारे में। इसको स्कॉर्पियन स्टिंग भी बोला जाता है, इसको आम भाषा में बिच्छू भी बोला जाता है। इसका जो डंक होता है ये काफ़ी जहरीला होता है। इसका जहर सांप के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके काटने पर असहनीय दर्द होता है, यानी कि इतना तेज पेन होता है कि पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता है, स्वेलिंग आने लगती है, फीवर आ जाता है। ये अक्सर पुराने घरों में मौजूद होते हैं, जो खंडहर होते हैं या फिर जो पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी की दीवारें हुआ करती थीं, तो ये वहाँ मौजूद रहते थे। दोस्तों, स्कॉर्पियंस अक्सर शांत जगह पर पाए जाते हैं, जहाँ पर शोर शराबा रहता है, हलचल रहती है, लोगों का आवागमन रहता है, तो वहाँ पर ये नहीं मिलते हैं। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया है तब उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जो बाइट साइट होती है, जहाँ पर काटा होता है, वहाँ पर बहुत ही तेज़ दर्द होता है, काफ़ी पेन होता है। वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जलन पड़ती है, और ये जो दर्द होता है बाइट साइड के ऊपर की तरफ बढ़ता है। और इसके साथ ही पेशेंट को हेडेक होता है, यानी कि सर में दर्द होता है, नौजिया एंड वोमिटिंग लग सकती है, मितली लगती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हार्ट बीट होती है काफ़ी तेज़ चलने लगती है, तो टैकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है। और इसके साथ ही काफ़ी स्वेटिंग होती है, यानी कि पेशेंट को पसीना आने लगता है, और इसके साथ ही पेशेंट का बीपी बढ़ने लगता है, यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो बिच्छू के काटने पर पेशेंट को दिखाई देते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग झाड़ फूँक करने लगते हैं या फिर घर की चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टर्निकेट बांध देते हैं, यानी कि जो बाइट साइट होती है जहाँ पर बिच्छू ने डंग मारा हुआ होता है, उसके ऊपर टर्निकेट बांध देते हैं, या फिर किसी धागे से, रस्सी से वहाँ पर बांध देते हैं, जिससे कि जो जहर है वो पूरी बॉडी में या फिर उसके ऊपर ना फैले। दोस्तों, जो घाव हो गया जहाँ पर डंग मारा है, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर एक इंसीजन करना चाहिए, यानी कि छोटा सा चीरा लगाकर वहाँ का ब्लड निकाल देना चाहिए, और उसके बाद इसको जेंटली वॉश करना चाहिए अच्छी तरीके से। पेन को कम करने के लिए इंजेक्शन IM स्टेट लगाना चाहिए, डाइक्लोफेनेक, जैसे कि वोवरान आता है, डाइनापार आता है, इसको तुरंत IM इंट्रामस्कुलर लगाना चाहिए। इसके साथ ही इंजेक्शन जाइलोकेन 1 ml या फिर 2 ml बाइट साइट पर लगाना चाहिए। इसमें लिग्नोकेन होता है, ये बाइट साइड पर जब लगाते हैं तो वहाँ पर दर्द जो हो रहा होता है वो कम हो जाता है, और वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन भी कम हो जाता है। दोस्तों, एक तरह का लोकल एनेस्थीसिया होता है जाइलोकेन, इसको देने के बाद पेशेंट को दर्द और जलन महसूस नहीं होती है। और इसके साथ ही इंजेक्शन हाइड्रोकार्टिसोन देना चाहिए, एक तरह का स्टेरॉयड होता है, 200 mg इसको स्टेट देना चाहिए। और इसके साथ ही अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो इंजेक्शन एनस्कॉर्ब दिया जाता है, ये एक तरह का एंटीवेनिन होता है। और इसके साथ ही इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml नॉर्मल सलाइन में डाल के IV दिया जाना चाहिए। अगर पेशेंट का BP हाई है, हाइपरटेंशन हो गई है, तो उसका BP कम करने के लिए निफेडिपिन 5 mg दिया जाता है, या फिर बाद में ज़रूरत पड़ने पर भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा पैनिक हो रहा है, घबराहट, बेचैनी जैसी समस्या हो रही है, उठ उठकर भाग रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को इंजेक्शन डाइजिपाम दिया जा सकता है। डॉक्टर की एडवाइस से इस इंजेक्शन को IV या फिर IM दिया जाता है। दोस्तों, इतना ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और 2-3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा स्कॉर्पियन बाइट क्या होता है, यानी कि अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या सिम्टम्स दिखते हैं। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।